चलिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसे अभी हमने पीछे देखा, अभी डिज़ाइन प्रोसीजर उसी को हम लोग फॉलो करेंगे एक एक करके। और डिज़ाइन प्रोसीजर आपने लिख लिया होगा, उसको आप एक एक करके देखते रहो और फिर हम उसको भी बोलेंगे, मेरे पास भी लिखा हुआ है, उसको मैं बोलूँगा, उसी के हिसाब से क्या करूँगा, बताऊँगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है एक एक पॉइंट। तो देखो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू शो मीटर। जो आप स्केल बना रहे हो वो क्या शो करना चाहिए, मीटर शो करना चाहिए, ठीक है, यानी मीटर का हमारे पास वो बनाना है स्केल। व्हेन 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा कितना, 6 मीटर का। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, आरएफ फाइंड आउट कर लेना है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 6 मीटर के है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर है इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको इंटू 100 कर देंगे, यानी 1/600, ठीक है, आरएफ वही फाइंड आउट करेंगे अभी प्रोसीजर के साथ। एंड क्या कर रहे हैं, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 मीटर, यानी कि जो आपका यहाँ पे लेंथ आएगा वो 60 मीटर का होना चाहिए, 60 मीटर वो जो आप स्केल बना रहे हैं वो मेजर करना चाहिए, कितने का, 60 मीटर तक वो मेजर करेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि ये टोटल जो होगा स्केल का लेंथ होगा वो 60 मीटर मेजर कर लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद फाइंड आरएफ, आरएफ फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद मार्क ऑन इट टू ए डिस्टेंस ऑफ 43 मीटर का, यानी कि टोटल 60 मीटर का है और हमें 43 मार्क कर लेना है, यानी कि 0, 1, 1 कहने का मतलब 10, 20, 30, 40 और ये 50, और यहाँ से ये 50 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 43 कहने का मतलब 40 यहाँ तक हो गया, यहाँ से 40 और इधर 3, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 43, तो इस हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया, एक बेसिक समझ में आ गया। अब देखो प्रोसीजर के साथ इसको मैं बनाता हूँ, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट प्रोसीजर आप देखिए क्या था, प्रोसीजर फर्स्ट था आपका, फर्स्ट प्रोसीजर है फाइंड द आर एफ इफ़ नॉट गिवेन, ठीक है, फाइंड द आर एफ इफ़ नॉट गिवेन। तो हम यहाँ से फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं आर एफ, ठीक है। तो आर एफ के लिए क्या था आपके पास, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्रॉइंग। आर एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, यहाँ से आर एफ इक्वल टू यहाँ लिख लो, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्रॉइंग, ठीक है ना, कितना आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ ड्रॉइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो फर्स्ट प्रोसीजर मेरा यही था कि आर एफ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से निकाल लो आर एफ, क्लियर है, ये पता चल गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर एफ, देख लो, लेंथ ऑफ ऑफ द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर सो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, ठीक है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और कितना आपका टू व्हेन 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, तो जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो ड्रॉइंग के ऊपर है, कितने मीटर पे, 6 मीटर का, 6 मीटर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 1, 6 × सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/600, तो आर एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, क्लियर। दूसरा क्या बोलता है, और आर एफ को और क्या कितना लिख सकते हो, और 1:600 ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। अब देखो दूसरा क्या था आपका, दूसरा प्रोसीजर क्या था आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल, क्लियर है। और लेंथ ऑफ स्केल कैसे फाइंड आउट करते थे, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ हमारे कितना दिया है, लॉन्ग इनफ टू मेजर 60 मीटर का, तो यहाँ पे आर एफ इंटू 60 मीटर लिख देता हूँ डायरेक्ट। आर एफ कितना आया है आपके पास, 1/600 × 60 मीटर है, तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारे को सेंटीमीटर में करो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 6, 6 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, क्लियर। तो इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं हो गया होगा। चलो
यहाँ से हमें पता चला कि क्या करना है, जो लेंथ ऑफ द स्केल कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का। क्लियर, चलो इसको मिटाता हूँ मैं। आर एफ की वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ आर एफ आ गया था हमारे पास 1/600, और जो लेंथ ऑफ द स्केल है, लेंथ ऑफ स्केल है कितने का, 10 सेंटीमीटर हमें बनाना है। क्लियर, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा था, हाँ चलिए, 3 कह रहा है कि डिवाइड द कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ स्केल इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट। ठीक है, डिवाइड द स्केल इन अ इक्वल नंबर ऑफ पार्ट। तो चलो पहले आप लोग क्या कर लो कि एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। पहले फर्स्ट क्या कर लेना है, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 10 सेंटीमीटर का एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेना है। चलिए ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर चलिए ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का लाइन। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। ये टोटल लाइन कितना है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ अभी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड फर्दर, क्या करना है इसको, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ और रेक्टेंगल ऑफ साइज ऑफ इतना 1। अब दूसरा क्या कर लेते हैं, इसको पहले इसका विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितने का, या तो 5 सेंटीमीटर देते थे, या तो 0.5, या तो 1 सेंटीमीटर का विड्थ दे सकते हैं, और 0.5 सेंटीमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर का यही है विड्थ। तो चलो विड्थ दे देता हूँ मैं 0.5 सेंटीमीटर का दे देता हूँ। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और इधर से भी कितना दे दिया इसको, 1 सेंटीमीटर का विड्थ। क्लियर, और इसको क्या कर दो, मैच करा दो। यहाँ पे क्या कर रहा, ठीक है ये हो गया, वेट्स भी दे दिया जो कि कितना है, 1 सेंटीमीटर का, और टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना होता है कि इसको डिवाइड करना है। देखो ये जो आपका मेजर करना है, लॉन्ग इनफ टू मेजर 60 मीटर, यानी कि 6 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। कितना, क्यों, ये 10 सेंटीमीटर को, क्योंकि ये मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है, 60 मीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको किस में, 6 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। 6 इक्वल पार्ट में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सिंपली आप इसको मेजरमेंट करके 6 में नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्या कर लेना है कि इस पॉइंट से किसी भी एंगल पे यहाँ से ऐसे एक, किसी भी एंगल से एक लाइन ले लेना है। यहाँ पे किसी भी एंगल से एक लाइन ले लेना है, और लाइन ध्यान रखना कि इसके आसपास ही रहे। अब इसको क्या करना है कि 6 इक्वल पार्ट में कट करो। जैसे मान के चलो यहाँ ऐसे रखो, कोई भी एक कंपास कितने भी डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे। तो मान लो एक कंपास यहाँ रख के पहला कट करो, यहाँ पे कर दिया, दूसरा सेम डिस्टेंस पे यहाँ कट करो, फिर उसके बाद यहाँ रख के यहाँ कट करो, तीसरा यहाँ, हाँ इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, वन टू थ्री फोर, ये 5 और ये 6 कट कर देना है। ठीक है, और देखो क्या करना है, सिंपल एक लाइन लेना है, उसको 6 कट कर देना है कितने भी डिस्टेंस पे, ताकि ये इसके आगे ना चला जाए। इतना बस ध्यान रखना है कि इसके आगे ना चला जाए। क्लियर, अब क्या करना है कि ये पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट से आपको क्या कर देना है, मिला देना है, इस पॉइंट से मैच कराना है। ठीक, और आपके पास दो चीज़ हो सकता है, या तो एक मिनी ड्राफ्टर या फिर रोलर स्केल।
रोलर स्केल, ठीक है, इन दो अगर ये दोनों में से कोई भी एक है तो क्या कर लेना है, इसको बस यहाँ से इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो देखो इसके पैरेलल एकदम सीधा पैरेलल हमने यहाँ पे ले लिया, सेम इसके पैरेलल फिर से यहाँ पे, आप दोनों की हेल्प से ले सकते हो या मिनी ड्राफ्टर या रोलर से, क्लियर, ठीक है। फिर से यहाँ से पैरेलल लाइन ठीक है। देखो ये जो आपका पार्ट था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 6 पार्ट में। अब यहां से क्या कर दो, एक इसको मैच लाइन ले लो स्ट्रेट, ठीक, बहुत ही आसान तरीका है ये, ठीक है। सिमिलरली इसको भी ऐसे मैच कराएंगे। देखो ये जो आपका 10 सेंटीमीटर का पार्ट था टोटल कितने का था, 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पे कितना था, ये 10 सेंटीमीटर का लाइन था, उसको मैंने कितने में डिवाइड कर दिया, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, ठीक है। अब देखो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, अब यहाँ पर नंबरिंग कर दो, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, क्लियर है। और ये सारा किस में जा रहा है, मीटर में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब इस साइड क्या करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट में। तो फिर से क्या करना है कि यहाँ से एक किसी भी एंगल पे एक लाइन ले लेना, ठीक है, और इसको आप क्या करो 10 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दो, 10 कट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। आप क्या करो कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लाइन ले लेना और एक एक सेंटीमीटर को उसको बना देना, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर पे कट कर लेना, ठीक। अब क्या करना है, इस पॉइंट को क्या कर दो, इस पॉइंट से मैच करा दो, इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे मैच करा दिया, ठीक। सिमिलरली पैरेलल यहाँ पे आ जाओ, सिमिलरली पैरेलल, बहुत ही आसान है, केवल आपको ड्राफ्टर चलाना आना चाहिए और क्या चीज़, या तो आप रोलर स्केल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके पैरेलल आप यहाँ आगे आते जाओ, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो कि इसको मान लो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 0.5, ठीक है, ये 1 2 दिया हूँ, या फिर इसको 60 मीटर का है तो इसको यहाँ पे बोल लो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये यहाँ पर हो गया 10, क्लियर। तो देखो ये आपका स्केल आपका बन चुका है, और आपको यहाँ पे इस स्केल के नीचे आपको RF की वैल्यू लिखनी है, जो कि कितना है 1/600, क्लियर है। ये देखो स्केल आपका कंस्ट्रक्ट हो गया, क्लियर। चलो आप आपको जितना भी प्रोसीजर था उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले हमें क्या करना था, फाइंड द RF, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, RF फाइंड आउट करना था। दूसरा क्या करता करना था, लेंथ ऑफ द स्केल फाइंड आउट कर लिए, उसको क्या करना था, डिवाइड द कैलकुलेटेड लेंथ और कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ स्केल इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट, फिर हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, द जीरो मार्क्स शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ द, ये यहाँ पे जीरो मार्क्स हम लोग फर्स्ट डिविजन का यहाँ पे कर दिए। उसके बाद क्या था, यूनिट फर्दर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, और जो ये यूनिट था इसको फर्दर डिवाइड किया हमने इक्वल पार्ट में 10 पार्ट में, क्लियर। और नंबरिंग इज डन इज जीरो मार्क, देन यूनिट इज नंबर द राइट ऑफ सब डिवीजन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में सब डिवीजन हो गया। उसके बाद ये 7th नंबर था, द विड्थ ऑफ द स्केल इज टेकन 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो विड्थ हमने इसका ले लिया है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। और उसके बाद ऑल डायमेंशन मस्ट बी 1 स्केल, ठीक है। ये जैसे ही बना दिए यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो सेम सिमिलरली इसको क्या कर दो, डिवाइड करो यहाँ से, ये इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करो, फिर से इसको पैरेलल लाइन
ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइन 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 10। क्लियर है? यहाँ नहीं, ऊपर नहीं लिखते, यहीं लिख लो। क्लियर है? तो ये देखो, पहले आपने, फिर से समझा देता हूँ, पहले क्या करना है, आर एफ फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्केल फाइंड आउट करना है, और आपको देख लेना है कि हमें मैक्सिमम कितना चाहिए। 60 मीटर का चाहिए, तो हमें 10 को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 6 इक्वल पार्ट में। तो 6 कितना हो गया, यानी कि टोटल 60 मीटर आ जाएगा अगर 6 इक्वल पार्ट में करेंगे। तो ये देखो 60 मीटर हो गया। डिवाइड करने के बाद फिर इसको हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया, किसी भी एंगल पे ले सकते हो यहाँ पे, उसको आपने 6 कट कर दो, 6 कट करेंगे और यहाँ से सबको मैच करा देंगे पैरेलल लाइन। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेलल आते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर इसको सब डिवाइड करना है, तो यहाँ से फिर से कोई भी एक एंगल पे लाइन ले लो, फिर इसको अपने 6 कट करो, 10 कट करो। 10 कट करने के बाद क्या कर दो, सबको इस, पहले इस पॉइंट को इससे मिला लो, उसके बाद इस लाइन के पैरेलल आते जाओ, ये आते जाएगा। क्लियर है? फिर उसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, एंड मार्क इट ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 43 मीटर। तो देखो यहाँ से 0 से यहाँ तक कितना हो गया, 40 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 40, और 3 बोल रहे हैं, तो 1, 2 और ये 3, यहाँ क्या है, 3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट हो गया, इसी पे दिखा देता हूँ, आप लोग दिखा लेना। देखो यहाँ से लेकर ये 43, 1, 2, 3, तो ये जो डिस्टेंस बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर है? तो ये कितने हो गया, 43 मीटर का। ठीक है, हमने दिखा भी दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर का हो गया, 43 मीटर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्लियर? चलिए, थैंक यू।